हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड आवर टॉपिक इज प्रैक्टिस सेट 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल और हमें वर्टाइसेस गिवन है। नंबर 1 -7 6, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में है। सेकंड ब्रैकेट में है 2 -2 और थर्ड ब्रैकेट में है 8 5। तो सॉल्यूशन में हमने लिया लेट ए इन ब्रैकेट -7 6, बी इन ब्रैकेट 2 -2 एंड सी इन ब्रैकेट 8.5। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स है, इसे हमने x1 y1 कंसीडर किया है। ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स है, इसे हमने x2 y2 कंसीडर किया और ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स है, इसे हमने x3 y3 कंसीडर किया है। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी x3 y3। तो x1 का वैल्यू हुआ हमारा -7, y1 का वैल्यू 6, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -2, x3 का वैल्यू 8, y3 का वैल्यू 5 और g हमारा सेंट्रोइड है। लेट gxy बी द सेंट्रोइड। हम यहाँ सेंट्रोइड फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेंट्रोइड फार्मूला देखिए, x = x1 + x2 + x3 / 3 एंड y = y1 + y2 + y3 / 3। हम x1, x2 और x3 ये सभी नंबर को प्लस करेंगे और y = y1 + y2 + y3 / 3। x1 का वैल्यू -7 प्लस का साइन, x2 का वैल्यू 2 प्लस का साइन, x3 का वैल्यू 8 / 3। -7 एज इट इज, 2 प्लस 8 10 / 3। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3 / 3। 3 गेट कैंसल, तो x का वैल्यू आया हमारा 1। अब हम y के वैल्यू पुट करेंगे। y = y1 का वैल्यू 6 प्लस का साइन, y2 का वैल्यू -2 प्लस का साइन, y3 का वैल्यू 5 / 3। यहाँ 6 है और -2 तो होगा 4 + 5 / 3। 4 + 5 = 9 / 3। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 3। y का वैल्यू हुआ 3। देयरफॉर सेंट्रोइड हैज कोऑर्डिनेट्स 1.3। यह है हमारा 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। में गिवन है फर्स्ट ब्रैकेट में 3 - 5, सेकंड ब्रैकेट में 4 - 3 और थर्ड ब्रैकेट में 11, -4। सॉल्यूशन में हमने लिया लेट ए इन ब्रैकेट 3 - 5, बी इन ब्रैकेट 4.3 एंड सी इन ब्रैकेट 11 - 4। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए को हमने x1 y1 कंसीडर किया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी को हमने x2 y2 कंसीडर किया और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी को हमने x3 y3 कंसीडर किया है और जी हमारा सेंट्रोइड है। लेट gxy बी द सेंट्रोइड। हम यहाँ सेंट्रोइड फार्मूला अप्लाई करेंगे। x = x1 + x2 + x3 / 3 एंड y = y1 + y2 + y3 / 3। x1 का वैल्यू है हमारा 3 प्लस का साइन, x2 का वैल्यू 4 प्लस का साइन, x3 का वैल्यू है हमारा 11 / 3। तीनों को प्लस किया तो आंसर आ गया हमारा 18 / 3। डिवाइड करने पे हमारा x का वैल्यू हुआ 6। y = y1 का वैल्यू -5 प्लस y2 का वैल्यू 3 प्लस का साइन, y3 का वैल्यू -4/3। यहाँ देखिए, यहाँ -y है, -5
प्लस 3, आंसर आ जाएगा माइनस 2, माइनस 2, माइनस 4, आंसर माइनस 6 डिवाइड बाय 3, डिवाइड करने पे y का वैल्यू आया हमारा माइनस 2, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, y इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर सेंट्रॉइड हैज कोऑर्डिनेट 6 कॉमा माइनस 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन। हमें गिवन है फर्स्ट ब्रैकेट में 4,7, सेकंड ब्रैकेट में 8,4 और थर्ड ब्रैकेट में 7,11। सॉल्यूशन में हमने लिया लेट ए इन ब्रैकेट 4,7, बी इन ब्रैकेट 8,4 एंड सी इन ब्रैकेट 7,11। ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के कोऑर्डिनेट और ये सी के कोऑर्डिनेट। तो हमने लिया सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी x3 y3। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3 है और g हमारा सेंट्रोइड है। लेट g xy बी द सेंट्रोइड। हम यहाँ सेंट्रोइड फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब बताइए x1 का वैल्यू क्या है। x1 का वैल्यू है 4 प्लस x2 का वैल्यू 8 प्लस x3 का वैल्यू 7 डिवाइड बाय 3। तीनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 19 डिवाइड बाय 3। यह हमारा x का वैल्यू है। अब y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू 7 प्लस y2 का वैल्यू 4 प्लस y3 का वैल्यू 11 डिवाइड बाय 3। तीनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 22 डिवाइड बाय 3। यह हमारा y का वैल्यू है। x का वैल्यू आया 19/3 और y का वैल्यू आया 22/3। Therefore centroid has coordinate 19/3 कॉमा 22/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।